Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ Software Engineering का एक टॉपिक that is Object Oriented Design Strategy. इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था Function Oriented Design Strategy, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है. अगर आपको पढ़ना है तो आप उसे विजिट कर सकते हैं. और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ Object Oriented Design Strategy. फंक्शन ओरिएंटेड में हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम जो बेस लेके चल रहे हैं कैटेगराइजेशन का, डिवीजन का, डेवलपमेंट का, वो फंक्शन लेके चल रहे हैं कि किस हिसाब से पूरा प्रोडक्ट, पूरा सॉफ्टवेयर काम करेगा. उसके फंक्शंस के बेसिस पे हम उसके मॉड्यूल, सब सिस्टम, सब मॉड्यूल्स के डिवीजन कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे डिजाइनिंग करेंगे. तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या है, जिसको शॉर्ट पे हम OOA भी लिख देते हैं. अगर कहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको OOA मिलता है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस. ये हमको पता होना चाहिए. तो जब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की, तो उससे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है. और प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किस बेसिस पे करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. हमको क्या करना होता है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हमें मॉडल कर लेना होता है. लाइक उसको हम किसी भी कंट्रोल फ्लो प्रोसेस के थ्रू, किसी भी डेटा फ्लो प्रोसेस के थ्रू हम उन चीज़ों को, सब चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को मॉडल कर लेते हैं, जो हमें जानकारी देते हैं कि किस तरीके से जो सारी चीज़ों का फ्लो है, चाहे हम डेटा की बात करें, चाहे हम प्रोसेस की बात करें, वो सारी चीज़ें फ्लो करेंगी. बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड, उन चीज़ों के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके का बिहेव करेंगे. ऑब्जेक्ट्स मतलब एंटिटीज के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. ठीक है, तो एंटिटीज मतलब अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, अगर मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैंने तो एक तो फंक्शनैलिटी की बेसिस पे कर लिया कि लॉगिन होगा, फिर उसके बाद एडमिशन होगा, उसके बाद फी डिपॉजिट होगी. एक मैंने बात कर लिया कि अगर मुझे स्कूल मैनेजमेंट बनाना है प्रोजेक्ट में, तो मैंने टीचर्स अलग रख लिए, स्टूडेंट्स अलग रख लिया, एडमिन अलग रख लिया, मैनेजमेंट अलग रख लिया, तो एंटिटीज के बेसिस पे डिवीजन कर लिया. तो वही चीज है जब हम एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो हमें उन चीजों की, हर ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, हम उनको पहले मॉडल कर लेंगे, मतलब हम उनको डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेंगे. फिर उनकी क्या क्या बिहेवियर, किस तरीके से हर एंटिटी, हर ऑब्जेक्ट अपने आप में बिहेव करेगा, वो चीज हम दिखाएंगे. क्या क्या उनकी फंक्शनैलिटीज होंगी वो हम डिस्क्राइब कर लेंगे. फिर उसके साथ साथ हम डेटा फंक्शनल और बिहेवियर मॉडल्स को भी बना लेंगे. और उसके साथ साथ जो भी है, हम ये भी चीजें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम प्रॉब्लम में घुसते चले जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिर्फ प्रॉब्लम को व्यू कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम और डिटेल में चले जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करते चले जाएंगे. तो इस तरीके से सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं. हर चीज हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या डेटा हम यूज करने वाले हैं, क्या मॉडल्स हम यूज करने वाले हैं, ये सारी चीजें. उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग की. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग जो होती है, आप ऐसे समझ लो कि कोई भी एनालिसिस मॉडल जो है वो क्रिएट किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को यूज करके, है ना, किस लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बनाने के लिए. किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अगर हमें बनाना है, तो उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस उसकी परफॉर्म करनी पड़ती है. ठीक है, तो जब ये काम हमारा हो जाता है उसके बाद ही हम डिजाइनिंग की तरफ बढ़ पाते हैं. या फिर मैं इसको अगर आपको बहुत जनरल टर्म्स में समझाऊं, तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने की क्या प्लानिंग हमारी है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग के थ्रू बता सकते हैं. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉड्युलैरिटी के बहुत सारे लेवल्स होते हैं. मॉड्युलैरिटी मतलब जो मैं आपसे डिवीजन की मैं बात कर रही हूँ,
है ना, मैंने आपसे बोला कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स बना रहे हैं वो अलग 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 लेवल्स के हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, है ना. तो सबसे पहले जो हमारे पास पूरा सिस्टम है उसको हमने डिवाइड कर दिया सब सिस्टम्स में, और हर सब सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलाइज. एक हमारे पास एक सिस्टम है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, इनको हम क्या बोल रहे हैं, सब सिस्टम्स हम इनको बोल रहे हैं या फिर हम उनको मॉड्यूल. और ये जो डिवीजन करने का तरीका है इसी को हम मॉड्यूलराइजेशन बोलते हैं, है ना, और इसी को मॉड्यूलैरिटी बोल रहे हैं. अब ये जो हम डिवीजन करते जा रहे हैं, है ना, ये जो सब सिस्टम्स या फिर सब मॉड्यूल्स हम बनाते जा रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम, या मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट्स को हम इन्हीं के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं. आगे देखते हैं किस तरीके से, ठीक है. तो हमारे पास जो मेजर कॉम्पोनेंट्स है उनको हमने सब सिस्टम्स में डिवाइड कर लिया. उसके बाद क्या है, देयर मैनिपुलेशन ऑपरेशंस आर एनकैप्सुलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. उसके बाद में आप ऐसे समझो जैसे कि हर सब सिस्टम, हर मॉड्यूल, या मैं बोलूँ हर ऑब्जेक्ट अपने आप में एक बिल्डिंग ब्लॉक है. इनके अंदर सारी चीजें कंटेन है, ये अपने अंदर चीजों को कंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक पिरामिड आपको देख, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है. तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है सब सिस्टम डिजाइन, उसके बाद है क्लास एंड सब्जेक्ट डिजाइन, उसके बाद है मैसेज डिजाइन, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजाइन. तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे. जब मैं सब सिस्टम लेयर की बात करती हूँ, मतलब मैं इस फर्स्ट लेयर की जब मैं बात करती हूँ, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजर रिक्वायरमेंट्स को एंड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निकल फ्रेमवर्क्स को दैट मीट यूजर नीड्स. इन चीजों की हम बात कर रहे हैं. तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है स्पेसिफिकली, उनको हम किस तरीके से उनको अचीव किया जा रहा है, है ना. ये जो लेयर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है या फिर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमने क्या टेक्निकल फ्रेमवर्क हमने यूज किया है, वो हमें कौन बता रहा है, सब सिस्टम लेयर बताती है. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर, ठीक है. तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर जो है ये हम देख लेते हैं. तो इट रिप्रेजेंट्स द क्लास हायरार्कीज दैट एनेबल द सिस्टम टू डेवलप यूजिंग जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, एंड दिस लेयर आल्सो रिप्रेजेंट्स ईच ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हम और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हर एक एंटिटी के बारे में इस लेयर में बात होगी, और हर लेयर का अपना क्या स्पेशलाइजेशन है, हर लेयर किस चीज के लिए, यहाँ पर हर एंटिटी, हर ऑब्जेक्ट यहाँ पर किस चीज के लिए क्रिएट किया गया है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ है, वो हम इस लेयर पर रिप्रेजेंट करते हैं. फिर आ जाता है हमारे पास मैसेज लेयर. मैसेज लेयर क्या है कि जब हमारे पास अलग 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 ऑब्जेक्ट्स हो गए, अब वो एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, तो उनके बीच में जो इंटरफेस क्रिएट होने हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैसेज लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर उसके बाद आता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेयर. रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेयर जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं हर ऑब्जेक्ट के, तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो वो फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, उनके लिए जो एल्गोरिदम्स हैं, उनके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब किसके थ्रू रिप्रेजेंट होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेयर के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे. तो इस तरीके से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को हम एक पिरामिड के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये सारे लेयर्स मैंने अभी आपको समझा दिए हैं वन बाय वन यहाँ पर. सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.